आज मैं आपको एक ऐसा काम बता रहा हूं कि ना दुकान खोलना है, ना मशीन रखना है, ना कोई झंझट है। बिल्कुल चिंता फ्री होकर के आप पैसे कमाओगे। आप जानना चाहते हो? अगर जानना चाहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। अगर 20,000 से लेकर के 30,000 रुपया है आपके पास और फ्री होकर के पैसा कमाना चाहते हो कि मतलब कोई चिंता न रहे, जो माल लेके निकले वो बिक जाए। देखो, अगर आप कहीं मजदूरी कर रहे हैं ना, कहीं दिहाड़ी कर रहे हैं, किसी के यहां जाकर के काम कर रहे हैं, तो पूरा 8 घंटा आप मेहनत करते हैं, बदले में क्या मिलता आपको? बदले में वही आपको 250, 300, 400 रुपये मिलते होंगे, ज्यादा ज्यादा 400 रुपये मिलते हैं। अगर कोई लेबर है, और लेबर है मतलब बुरा मत मानिएगा, हेल्पर है, या फिर लेबर को तो लेबर ही कहते हैं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है और वो काम उसको पसंद नहीं है, वो सोच रहा है कि मैं इस काम को कब छोड़ दूं, वो उस चीज से परेशान है, तो उसको क्या करना चाहिए, है ना? ये सारा कुछ मैं आज आपको बता रहा हूं, और एक फ्री होकर के जिंदगी में पैसा कमाने का बहुत सारे ऑप्शन है, वो तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं, जरूर सुनिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं, जी हाँ, मेरा चैनल है, इस पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियोस को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक है? और कमेंट में अपना राय भी दीजिएगा कि क्या जो मैं बातें आपको बताता हूं वो पसंद भी आता है कि सिर्फ आप सुन के यूं ही छोड़ देते हैं, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। करना क्या है, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो स्कूटर वाला है ना, स्कूटर आपके पास तो बाइक होगा, साइकिल होगा, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, कार भी होगा, ऑटो भी होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के पास ना स्कूटर था। अब स्कूटर पे वो क्या करता है कि 20,000 का 10,000 का प्रोडक्ट उठाता है, है ना, और ले जा करके दुकान दुकान पे देता है। मैं जो बता रहा हूं उसको पहले सुन लीजिए, फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको करना है या नहीं करना है, क्योंकि आप लोग ना बहुत, मैंने देखा है कि बहुत जल्दीबाजी होते हैं, भाई बताओ ना क्या बताना चाहते हो, कैसे बताना। बहुत सारे लोग हैं जो ये सवाल करेंगे, भाई आप क्यों नहीं करते हो, जब आपको ये सब पता है तो आप क्यों नहीं करते हो। मुझे वो करने की जरूरत नहीं है, अगर वैसी जरूरत लगेगी तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, जरूर कर सकता हूं, लेकिन हालांकि अभी वैसी जरूरत नहीं है। अभी जिस काम में मैं डूबा हूं, जिस काम को मैं कर रहा हूं, वो लाखों लाखों का काम है, वो मतलब बहुत बड़ा काम है ना ये, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं जो इतना नहीं सोच सकते, तो कम से कम इतना सोच सोच करके वहां तक पहुंचेंगे। तो पहले छोटा सोचना पड़ता है कि पहले शुरुआत कैसे करें, इसलिए मैं ये बताता हूं। तो सवाल बाद में कीजिएगा, पहले ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुनने से पहले ये डिसाइड ही कर लेते हैं कि भाई ये तो यही है, यही चीज है, बस ध्यान सुनिए। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि दुकान दुकान पे माल देता है। अब उसने लगाया है दिमाग, गाड़ी है, बाइक है, सॉरी स्कूटर है, स्कूटर पे वो क्या करता है, पहले ये देखा उसने कि लोगों की जरूरत क्या है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो हर रोज बिकता है, है ना, हर रोज बिकता है, हर रोज उसका लोग यूज करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर, रात, कभी भी हर कोई व्यक्ति उसको उपयोग करता हो, वो प्रोडक्ट वो चुनता है ना, चुन करके 5-7 आइटम 8 आइटम देख लेता है क्या क्या ऐसा प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट को वो होलसेल रेट में खरीद करके और होलसेल रेट में ही बेचता है। अब समझिएगा, बड़ा पॉइंट वाली बात बता रहा हूं आपको, होलसेल रेट में खरीदता है और वहां से खरीद करके होलसेल में ही देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि माचिस है, साबुन है, कुछ भी ऐसी चीज है जो आदमी की दिनचर्या में रोज की जरूरत है, इंसान उसको कहीं ना कहीं दिन में या शाम तक कभी ना कभी एक भी प्रोडक्ट को जरूर यूज करता है ना। उस व्यक्ति ने देखा कि क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे टूथपेस्ट है, ब्रश है, माचिस है, शैम्पू है, साबुन है, तेल है, बहुत सारे आइटम है, खाने वाले प्रोडक्ट है, नाश्ते में है, डिनर में है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, मैं अब एक एक करके नहीं बताने वाला, आप ये समझ जाइए कि दिनचर्या में जो भी यूज होता है उनमें से 5-7 आइटम आप चुन लीजिए और उसको होलसेल रेट में खरीद करके, अगर मुनाफा 1 रुपए भी मिल रहा है ना एक पीस पे, 1 रुपए भी मिल रहा है एक पीस पे, तो जो दुकानदार है जिसको आप देने वाले हैं, तो वो दुकानदार आपसे सैकड़ों पीस खरीदता है, 50 पीस खरीदता है, 20 पीस खरीदता है ना, एक आइटम की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपके पास 7-8 आइटम या 8 आइटम है और 1-1 रुपए कमाई हो रही है, 20-20 पीस सेल हो रहा है, फिर भी एक जगह से 200-250 रुपए का सामान आपको प्रॉफिट आपको मिलने वाला है एक दुकान से। अगर इस तरीके से दिन भर में 10 दुकान भी देते हैं तो आप देख लो कितना रुपए होता है। वो भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति के मैं बारे में बात कर रहा हूं, वो भी पहले मजदूरी करता था, दिहाड़ी करता था, और दिहाड़ी करके उसने देखा कि यार इसमें तो कोई लाइफ ही नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है, मुझे शाम को 400 रुपए मिलते हैं, इसमें मेरा खर्चा भी पूरा नहीं होता है, उल्टा कर्ज भी चढ़ा हुआ है, वो दे नहीं पाता हूं। लेकिन जब से इस व्यक्ति ने ये काम करना शुरू किया तब से इसकी लाइफ चेंज हो गई और आज वो डेली का
1000 रुपए से कम तो नहीं कमाता है, उससे अधिक बहुत रुपए कमाता होगा। मैं मिनिमम मतलब कम से कम बोल रहा हूं कि 1000 रुपए रोज कमाता है। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, और मैंने जो आपको बताने की कोशिश की है, ये आप समझ सकते हैं कि आपके पास बाइक है उसका सदुपयोग कीजिए, स्कूटर है कुछ भी है उसका उपयोग कीजिए, और आप भी चाहें तो ऐसे कमा सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा एक दो दिन आपको भर्म लगेगा कि यार ये कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन जब करते जाएंगे आपको सब कुछ समझ क्लियर होता जाएगा, समझ में आएगा कि हाँ भाई ऐसे ही तो होता है, बाकी सब ऐसे ही कर रहे हैं, है ना। और आप देखेंगे कि मुनाफा कितना हो रहा है। अगर मुनाफा नहीं होता तो आज तक जिसको आप देख रहे हैं बहुत दिन से, वो आज तक कर नहीं रहा होता, छोड़ दिया होता, ठीक है। तो जो मैं बताना चाहता हूं शायद आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश से भारतीय, जय हिंद।